बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू से यकीन आप खैरियत से होंगे और आज हमने SLO बेस्ड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़नी है कि सेंटेंसेस की काइंड्स कौन सी होती हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आ जाते हैं टू मेक स्टेटमेंट्स, बयानिया जुमलों के लिए या बयानिया जुमला जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम डेक्लेरेटिव भी कहते हैं या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये डेक्लेरेटिव बयानिया जुमला जो होता है वो डेक्लेरेटिव उसको कहते हैं या असर्टिव कहते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, सादा सेंटेंस, उसको हम बयानिया जुमला जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट पाई जाती है, बयान पाया जाता है। आई टुक सम मनी आउट ऑफ द बैंक, मैंने कुछ रकम बैंक से ली। नंबर टू पे एक और स्टेटमेंट है, द शॉप स्टेज ओपन अंटिल 9 AM, दुकान 9 बजे तक खुली रहती है, ठीक है। उसके बाद एक और देखें, टू आस्क क्वेश्चंस और टू मेक रिक्वेस्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैं आपसे अचानक पूछ भी सकता हूँ, किसी भी स्टूडेंट की तरफ से मैंने कैमरा फेर देना और उससे मैंने पूछने और जो मुझे बातें करता हूँ नजर आ गया ना आपको उसकी तरफ मैंने कैम कर देना, ठीक है। आई एन टी ई डबल आर ओ अनदर आर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सवाल आप पूछने के लिए, ठीक है, नहीं ये रिक्वेस्ट के लिए तो नहीं होता इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओनली फॉर क्वेश्चंस। हैव यू गॉट अ डस्टर, एनीबॉडी हु हैज गॉट अ डस्टर, सो दैट आई मे रिमूव इट, जस्ट गेट इट फ्रॉम माय पॉकेट, बैक साइड पॉकेट, दिस पॉकेट से निकाल लें, ठीक है। इधर डस्टर पड़ा होगा मुझे दे दें, मैं मिटा दूँ, जस्ट कीप इट टू मी। मेक रिक्वेस्ट नहीं होता, क्वेश्चंस के लिए होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ओनली फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। उसको आप सकते हो, चले मैं मुझे जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कैन आई हेल्प यू, ठीक है। दूसरे में कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोलोगे, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये सवालिया जुमले जिनको आप उर्दू में कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें एक और आती है टाइप सेंटेंसेस की, टू गिव ऑर्डर्स और एन एंट्रीटी, कोई हुक्म देने के लिए या एंट्रीटी इंतजा के लिए, रिक्वेस्ट से भी नीचे वाली फॉर्म होती है उसको हम इंतजा एंट्रीटी कहते हैं, ठीक है। हम्बल रिक्वेस्ट होती है, इसको हम कहते हैं जिसमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर पाया जाए तो इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों के एंड में जो है वो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ठीक है। और इसमें हमने पहचानना है, एग्जामिनर आपका आपको इनमें से कोई भी दे सकता है, एक्सक्लेमेटरी दे दे, ये इंपेरेटिव दे दे, ठीक है। लेकिन आपने सेंस से पहचानना है कि उसमें सेंस क्या मिल रही है, वहां से आपको पता चलेगा कि आया कि ये एक्सक्लेमेटरी है या आप ये कह दें कि इंपेरेटिव है या ऑपरेटिव है, ठीक है। जैसे यहां पे कहते हैं स्टॉप आर्ग्यूइंग, स्टॉप आर्ग्यूइंग, अच्छा ये इसके एंड में ये होना नहीं चाहिए, इट्स ओके, इंपेरेटिव में नहीं होता, इंपेरेटिव में फुल स्टॉप होता है, ठीक है। ये भी इसमें भी फुल स्टॉप होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं होता। स्टॉप आर्ग्यूइंग, कम हियर एट वंस, ठीक है। और ये हुक्म पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। कम हियर एट वंस, प्लीज कम हियर, इसमें रिक्वेस्ट पाई जाती है। अब ये तो हो गया ऑर्डर या एंट्रीटी, ये हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं यहां पर, टू एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग, जिसमें कोई स्ट्रांग फीलिंग पाई जाती है उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अचानक कोई फीलिंग आप में आ जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, और उसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, ठीक है। और इसमें और अपडेटिव में सेम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, लेकिन सेंस से पता चलता है कि आया कि ये इंपेरेटिव, ये आया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ये अपडेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अपडेटिव दवाइया सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी में कोई एक्सक्लेमेशन हैरत पाई जाती है, जज्बात का अचानक इजहार होता है, ठीक है। जैसे यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, बहुत तेज आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो इसके एंड में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हैरत का इजहार है या सरप्राइज है।
इट्स टू कोल्ड, बहुत ठंड है, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो है वो आप ये कह दें कि अचानक आपने जिस बात का इजहार किया है कि ये बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड में आ जाता है, सरप्राइज के लिए, हैरत के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कोई दवाइयाँ जुमले हों, जैसे मे यू लिव डाउन, मे आ गया तो फिर ये आ जाता है, इसके एंड में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, लेकिन ये अपडेटेड होगा, ठीक है। दोनों के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन है, और दोनों की सेंस से हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला कौन सा वाला है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है और कौन सा ऑप्टेटिव है, ठीक है। ये ना हो कि वो आप ये आया हुआ हो तो आप कहें ये तो ऑप्टेटिव है, या ये आया हुआ हो तो आप कहें ये तो एक्सक्लेमेटरी। ये आपने डिफरेंस को पहचानने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए, और मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मुसलसल मिलते रहे। हैव अ नाइस टाइम, टिल टुमारो, अल्लाह।